शराबबंदी का वादा और अधूरा स्काईवॉक सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। इसके लिए सरकार ने कमेटी भी बनाई, लेकिन कमेटी की कई बैठकों के बाद भी इन पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है और वो टाइम पास कर जनता को गुमराह कर रही है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि शराबबंदी की नियत ही नहीं है सरकार की, और इसी तरह स्काईवॉक का विरोध करने वाली सरकार 3 साल में भी इसको लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। दोनों मुद्दों पर सरकार की कमेटी के प्रमुख सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि हमने शराबबंदी के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि बैठक में अब तक शामिल नहीं हुआ है। हम हड़बड़ी में शराबबंदी को लेकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। वहीं स्काईवॉक के संबंध में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इसमें अब तक 60 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, इसको देखते हुए इसे तोड़ने की बजाय बनाकर इसका और किस तरह से उपयोग किया जाए, इस पर विचार चल रहा है। देखिए, यह सरकार कितने अनिर्णय की स्थिति में है। 2.5 साल से कमेटी खेल रही है, इसके बारे में निर्णय करें, कमेटी बनाने की जरूरत क्या? आपने कहा था शराबबंदी करेंगे, आप करिए। इन्होंने कहा था कि हम स्काई वॉक के बारे में निर्णय करेंगे, हम एक्सप्रेस हाईवे के बारे में निर्णय करेंगे। आज 2.5 साल में निर्णय नहीं कर पा रहे और बड़े बड़े भाषण देते हैं। अरे, आप अनिर्णय की स्थिति में हैं। आप रायपुर शहर के साथ में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। स्काई वॉक का औचित्य क्या था? पब्लिक डिमांड क्या थी? सर्वे प्रॉपर हुआ नहीं, कोई आवश्यकता क्या थी? 4-4 बार भारतीय जनता पार्टी को उल्लेख किया गया कि अपने प्रतिनिधि को भेजिए। राजनीतिक मामलों की समिति में जब तक राजनीतिक दल के लोग नहीं बैठेंगे, समग्र रूप से चर्चा नहीं करेंगे, तब कैसे संभव है? क्या